सास ससुर और साले ने किया जानलेवा हमला, युवक जीएमसीएच में भर्ती। मामला साठी थाना क्षेत्र के बसंतपुर का है, जहां अपने ही दामाद पर सास ससुर और साले ने चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल उमाशंकर मुखिया, जो मोतिहारी पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं, आनन फानन में चनपटिया पीएचसी भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने स्थिति चिंताजनक देखते हुए बेतिया रेफर कर दिया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जाता है कि स्पाइनल के नस डैमेज हो जाने के कारण उनकी स्थिति काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है। उमाशंकर मुखिया एक वर्ष पहले झापस मुखिया की पुत्री नागमती मुखिया से लव मैरिज शादी कर लिए थे, तभी से ससुराल जाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपने घर जाने का जिद करना उन्हें महंगा पड़ गया। ससुराल वालों ने उस पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घटना घटी है, मेरे ससुर ने मुझे चाकू से मार दिया। क्यों? क्योंकि मेरा शादी एक साल पहले पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया थाना, लौरिया ब्लॉक के साठी थाना के बसंतपुर गांव में झापस मुखिया की पुत्री नागमती कुमारी से हुआ था। तभी से मैं अपने माँ बाप का विरोध करके शादी भी किया, माँ बाप के विरोध करके मैं ससुराल में रह रहा था। 26 जुलाई को मेरी पत्नी ने जुड़वा बच्चे का, एक लड़का एक लड़की का जन्म दिया, और कल पिछले दिन रक्षाबंधन था। मैंने बोला कि अब सब कुछ समान हो गया है, हम अपने घर चलते हैं, जिसका मेरे ससुर सास और मेरे साले ने विरोध किया और मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया, और मैं बुरी तरह से घायल हो गया हूँ। मेरे पीठ की रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल नस कट गई है, मैं बैठने में असमर्थ हूँ। कैसे हॉस्पिटल पहुँचे? मैं जैसे हमला किया लोग, मैं थोड़ी देर में ही मैं बेहोश हो गया। गांव के किसी शुभ चिंतक आदमी ने साठी थाना में फ़ोन किया, पुलिस वाले ने आया और मुझे चनपटिया पीएससी में भर्ती करा दिया। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम उमाशंकर कुमार मुखिया है, मैं मोतिहारी ज़िले के बंदेरिया थाना के रोहिंग्या का रहने वाला हूँ।